सुनना तो लगेगा। हेलो गाइज, और आज का ब्लॉग होने वाला है एक सरप्राइज बर्थडे ब्लॉग। मैं इसलिए बोल नहीं सकती क्योंकि बगल वाले रूम में मेरी बहन है और वो सुन लेगी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो उसे शक हो जाएगा, इसलिए मैं बाद में आप लोग से बात करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी शॉपिंग करने। हम रेडी हो चुके हैं और हमने आज लग रहा है जैसे सो के उठे हैं, क्योंकि सही में भी सो के उठे हैं और जा रहे हैं। उसकी फ्रेंड आ चुकी है रोड पे और लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो जा रहे हैं। हाँ, आके खा लेंगे। और अभी हम कुछ खाए भी नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो गया, तो मेरी मम्मी बोल रही है कुछ खा लेंगे, बट क्या करूँ, खुद मेरा गलती है। मैं सो गई आके क्योंकि शादी में गई हुई थी और सुबह ही 6 बजे सो गई हूँ और टाइम दे दी थी कि 10:30 में जाऊँगी। सो मैं घर आके बात करूँगी और लास्ट में बात करूँगी सब क्या क्या कैसे हुआ। अभी जा रही हूँ, लेट हो रहा है। तो यहाँ शिवानी मतलब मेरी बहन की फ्रेंड केक ले रही थी सरप्राइज़ देने के लिए शिवानी को। सो हम लोग वही देख रहे थे कि कौन सा केक लें। शिवानी, सुन ना एक बात बताइए, काम है जल्दी आओ। रुक जा। फिर हम लोग डेकोरेशन के काम में लग गए और यहाँ बलून हम लोग फुला के रख रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और ठंडे के दिन में दिन बहुत छोटा करता है, और इसलिए हम लोग बहुत फटाफट से कर रहे थे कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। सो देखिएगा थोड़े देर बाद जब हम लोग शिवानी को लेके आते हैं। आओ जल्दी, हम देखें। ओह गॉड, मेरा रिएक्शन शिवानी से ज्यादा, तो मैं खुद खुश हो रही हूँ, खुद को देख के हंसी आ रही है यार। और पासा, और पासा, नहीं रो, नहीं रोना, नहीं और पासा। वो पूरी इमोशनल हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, खुशी के आंसू थे वो, और मैं चाहती थी उसे खुश करना। सो मैं सफल हुई। रोना नहीं, रोना नहीं, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। एक भी पहले फूटना नहीं चाहिए, ठीक है, हम एक लेंगे। अरे इतना सारा है ना, हम लोग फोड़ते हैं बच्चे थोड़े हैं ना। लाइट अच्छे से नहीं आ रही थी इसलिए वीडियो भी बहुत अंधेरा अंधेरा सा हुआ है। मुझे ये जलाने में बहुत डर लगता है, मैं यहाँ डर भी गई थी। Happy.
अब आती है गिफ्ट की बारी। और ये गिफ्ट शिवानी की फ्रेंड दी थी। ये इतना खूबसूरत था और ये हैंडमेड था, खुद से बनाया हुआ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई थी। और वो दोनों बहन बहुत अच्छा कारीगरी करती है, बहुत अच्छा बोले तो कलाकार है दोनों। और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था गिफ्ट मुझे, क्योंकि खुद से बनाना, खुद का दिमाग लगाना और एकदम परफेक्ट बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वो दोनों बहुत अच्छा सब कुछ बना लेती है, पेंटिंग वगैरह सब। तो ये शिवानी को बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। फिर आती है फ़ोटोशूट की बारी। और यहाँ हम तीनों इनका फ़ोटोशूट कर रहे थे और ये बहुत देर तक चला। और मैं इसका वेट कर रही थी कि फ़ोटोशूट जब बंद होगा तो मैं अपना गिफ्ट दूंगी जो देना था। तब तक एंजॉय करिए ये इनका पोज और फ़ोटोशूट की मस्ती। अब आती है मेरे गिफ्ट देने की बारी, तो देखते हैं इन्हें पसंद आता है कि नहीं। सो ये एक फ्रेम था मम्मी के साथ, इनका पिक था उसमें। और इसे बहुत पसंद आया ये। फिर मेरा सेकेंड गिफ्ट ये इयररिंग्स थे, तो ये भी इसके पसंद के थे क्योंकि ये लेना चाहती थी इयररिंग और नहीं ले पाई थी। सो मैं दे दी गिफ्ट और मैं यहीं पहना दी थी क्योंकि ये इयररिंग्स नहीं पहनी थी। फिर आता है ये मेरा थर्ड गिफ्ट और ये कॉफ़ी मग है। और ये भी इसे बहुत पसंद आया था। फिर हम लोग खाए पिए और पार्टी ख़त्म। सो कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार बलून आया है। सो बहुत खुश हूँ। तो इसको इसलिए और नहीं लग रहा होगा कि कुछ होगा क्योंकि कल मैं अपने फ्रेंड की शादी में गई थी और रात भर वही थी। मैं सुबह आई हूँ आज, और सुबह 6 बजे था ना, 6 बजे आई हूँ। फिर बोली कि जा रही हूँ सोने। और ऐसा हुआ था ना कि इसकी जो फ्रेंड थी वो भी सरप्राइज देना चाहती थी, मैं भी देना चाहती थी, तो हम दोनों हाँ मिल गए थे और एक साथ सोचे सरप्राइज देने के लिए। तो उससे मैं टाइम दी थी 10:30 में, सुबह 10:30 में हम लोग केक वगैरह सब डेकोरेशन का सामान लेने जाएंगे। बट सुबह आई 6 बजे और इसे बोली थी कि मुझे 10 बजे जगा देना, सोची फटाफट निकल जाऊँगी, बट ये जगाई ही नहीं। मुझे लगा रात भर जगी है, बर्थडे तो मना नहीं रही तो सोने देती हूँ। अचानक नींद खुलता है, जगाती है, अरे 11 बज गया, मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ, माय गॉड ये क्या हो गया। दूसरे को टाइम दो ना तो एक बन जाता है ये कि टाइम पे पहुँचना ही है। तो वही हुआ, लेट तो वही गया था। फिर गई जल्दी जल्दी ये सब खरीदी, तब तक इसको पता नहीं था क्योंकि मैं कुछ और बोल के गई थी कि कोई और फ्रेंड को काम है तो उसके साथ जा रही हूँ इसलिए। और
हम लोग ये सब प्लानिंग करके आए और घर पे आए तो ये नॉर्मली बैठी थी जैसे थी, क्योंकि कुछ प्लान था ही नहीं डे, मतलब सेलिब्रेट करने का कोई प्लान नहीं था, नॉर्मल ही जाने वाला था डे। तो हम सरप्राइज दिए और आप लोग क्लिप देख ही चुके हैं कैसा है, और गिफ्ट कैसा लगा? बहुत प्यारा, एकदम मतलब आज जो भी हुआ है मैं सोच ही नहीं सकती थी, कभी सोच ही नहीं सकती कभी भी नहीं। तो यही, और बहुत मतलब एक मंथ से मैं ट्राई कर रही थी क्या करूं क्या करूं, बस मन में चल रहा था। मैं इतने दिन से बोल रही थी कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, इस बार ही बाद में करूंगी जब मन करेगा, जब खुश रहूंगी बहुत ज़्यादा तब। लेकिन ये लोग का था प्लान पता नहीं कैसे। हाँ, और आप बिलीव नहीं करोगे मैं फेस वॉश भी नहीं की हूँ, कल जब शादी में गई थी तभी मतलब फेस वॉश की थी, आज सुबह लेट हो गया है तो फटाफट बस ब्रश की और निकल गई थी बिना कुछ लगाए, तो इसलिए लिया, थोड़ा ख़राब हो सकता है। और अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है बिकॉज मैं 3 घंटा सोई हुई बस, सो अब सोना है एकदम आराम से। और कैसा लगा डेकोरेशन ज़रूर बताइएगा। मैं पहले बता दूँ? हाँ बताओ। पहले तो मैं यहाँ से आई तो मुझे लगा था कि नॉर्मल बलून फूटने का आवाज़ आ रहा था, तो मैं सोची बलून वगैरह होगा बस वही डेकोरेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिबन जो होता है, बट मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, सच बता रही हूँ। कभी आज क्या मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट इस तरीके से मैं कभी की ही नहीं हूँ, मेरे घर नहीं होता है, तो आज पहली बार हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब कभी फीलिंग ही नहीं आया था कैसा फील होता है बर्थडे सेलिब्रेट करना इस तरीके से, वो कभी मौका ही नहीं मिला था, बट इस बार वो फील आया और बहुत खूबसूरत था। तो ऐसे ही खुश रहना चाहिए। तो थैंक यू इसको, थैंक यू मेरी बेस्ट फ्रेंड अंजलि, और मेरी बहन भी है, अंजलि की बहन है तो मेरी बहन भी है, तो सिस्टर है, तो थैंक यू अर्चना, इतना सुंदर सरप्राइज और बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। और हम लोग ज़्यादा कैप्चर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और टाइम बहुत कम था, जल्दी जल्दी ये सब करना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, बस थोड़ा बहुत ही करा आप लोग के लिए ही कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। बाल बाल भी नहीं धोई थी ऐसा, मेरा बाल ऐसा, तो ये लोग पहले नहीं बताए, बिल्कुल भनक भी नहीं लगने दिया, नहीं तो मैं ज़रूर बाल धो लेती थोड़ी, थोड़ा स्ट्रेट भी थोड़ा कर लेती कि अच्छा लगे, बट ऐसे ही बाल है, काफ़ी दिन हो गए हैं धोए हुए, तो बस ऐसा कुछ होता है ना सरप्राइज वगैरह तो कोई रेडी नहीं हो पाता, मैं खुद नहीं हो पाई जबकि मैं बेवजह होती रहती हूँ और आज पार्टी था तो मैं नहीं हुई हूँ। बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं करना था, मेन ये था, अगर मुझे रहता कि मैं घर पे भी छोटा मोटा फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट कर रही हूँ तो बाल जरूर धोती, बट तो ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था, ना फैमिली के साथ ना फ्रेंड्स के साथ, इसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है, बिकॉज हमेशा ये बोलती थी नहीं सेलिब्रेट करना है, तो मैं भी बोलती थी हाँ छोड़ो इस बार छोड़ो नहीं करते, मैं बहुत कम सेलिब्रेट करती हूँ अपना बर्थडे है ना। हाँ, बट मैं बोलती हूँ नहीं, लाइफ एक ही है, छोटा छोटा पल इंजॉय करना चाहिए, और ये तो बर्थडे है तो मैं हमेशा इसको सिखाती हूँ कि हर चीज़ को इंजॉय करो, ज़रूरी नहीं है कि कोई लाइफ में रहे तभी, अकेले भी कर सकते हैं, दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते, तो मैं तो अकेले भी इंजॉय करती हूँ कोई ना आए तो भी। हाँ, लेकिन मैं नहीं करती, तो वही तो सिखाती हूँ कि करना चाहिए अब। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और ढेर सारा शेयर, सो सपोर्ट करते रहिए जैसे कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज़।